हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं तो उनके दिल में क्या क्या विचार आते हैं आपको लेकर। स्पेशली जब अगर आपके पर्सन के पास आपकी तस्वीरें हैं या कोई मेमोरी है तो वो उसे देखते हैं तो क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या फीलिंग्स आती है। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44 और दूसरा कार्ड है यहाँ पर एंजल ऑफ लव 49 नंबर। तो दोनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसकी रीडिंग देखनी है। साथ ही आपको याद रखना है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सारे पॉइंट रेजोनेट नहीं हो सकते हैं। जो भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट होता है आप उसे लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। तो शुरू करेंगे हम ग्रुप वन के साथ, देन ग्रुप टू। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए और दोनों में से कोई एक कार्ड आपको दिल से सिलेक्ट करना है। तो आपका समय अभी शुरू होता है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ग्रुप वन के साथ, देन ग्रुप टू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने ये ग्रुप वन सिलेक्ट किया है तो एंजल सॉरी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो देखते हैं ये जो पर्सन है ये जब आपकी तस्वीर देखते हैं तो आपको लेकर क्या सोचते हैं। आपके पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं तो आपको लेकर क्या सोचते हैं। पहला कार्ड नाइन ऑफ हार्ट और थ्री ऑफ डायमंड। ये पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेकर जब ये आपकी तस्वीर देखते हैं। टेन ऑफ क्लब्स। आपके पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं तो क्या सोचते हैं। फोर ऑफ डायमंड, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, क्या सोचते हैं ये पर्सन आपको लेकर। फोर ऑफ हार्ट, फोर ऑफ क्लब्स एंड थ्री ऑफ स्पेड। तो जब भी आपके पर्सन आपकी तस्वीर देखते हैं तो उनके दिल में यही फीलिंग्स आती है कि वो सबकॉन्शियसली ये डिजायर करते हैं कि आप उनके पास हो, वो आपको अपनी बाहों में लिए हैं। तो इस तरीके के आपके पर्सन ऐसे विश करते हैं और सबकॉन्शियसली ये पर्सन उसे मैनिफेस्ट भी करते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस वक्त अब अगर प्रॉब्लमेटिक है और तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में यूनियन हो जाए। ये पर्सन आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो याद करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कनेक्शन है और एक इंटेलेक्चुअल ये पर्सन आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन और आप एक दूसरे से बातों के बिना भी कम्युनिकेट कर लेते हो, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोचते जरूर हैं, पर आप दोनों के बीच में इस वक्त जो है फिजिकल डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। उस फिजिकल डिस्टेंस के बारे में ये पर्सन सोचते हैं कि काश इस तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं होता, आप दोनों एकदम बिल्कुल पास पास होते। यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में बहुत ज्यादा स्टेबल फीलिंग्स है क्योंकि यहाँ तीन बार फोर भी आया है जो कि एक स्टेबिलिटी दिखाता है कि इनके दिल में कितनी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फीलिंग्स है आपको लेकर। पर इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लिमिटेशंस है, रेस्ट्रिक्शन है, इस बारे में भी ये पर्सन सोचते हैं। हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन जो है इस वक्त डिस्टेंस की वजह से ही प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, इस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये पर्सन ये भी सोचते हैं। आपके पर्सन आपकी तस्वीर पर जब देखते हैं तो यही सोचते हैं कि काश आप उनके पास आ जाओ
और वो आपको अपने गले लगाना चाहते हैं, और ये पर्सन जो है ऑन ऑफ जो है ये आपके बारे में हमेशा, इनके बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये सोचते रहते हैं। इस पर्सन को आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपसे बात करना इनको बहुत पसंद है, ठीक है, आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में ये पर्सन जब भी किसी प्रॉब्लम में आते हैं, किसी लाइफ में किसी डिफ़िकल्टी में आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस, इंटेलेक्चुअल एडवाइस दोगे, ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा भी आपके लिए लगता है, ठीक है। और देखते हैं ये पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जब ये पर्सन आपकी तस्वीर देखते हैं तो आपको लेकर क्या सोचते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, पेज ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन क्या सोचते हैं जब ये आपकी तस्वीर देखते हैं, यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड। क्या सोचते हैं ये पर्सन, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ कप्स और द टावर। एंड ऑफ द डेक यहां पर आ रहा है टेम्परेंस। आपके पर्सन किस्मत को बहुत ज्यादा कोसते हैं। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन जो है उसका रीजन कहीं ना कहीं जो है किस्मत है। और साथ में ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप बहुत, वो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपसे वो मिले थे, आपके साथ उनकी जो है एक, उन्होंने एक जर्नी शुरू की थी। ये पर्सन आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं बार बार। ये पर्सन अगर किसी दूसरे सिचुएशन में है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, तो भी ये पर्सन मुड़ मुड़ के बार बार आप ही के तरफ उनका फोकस है। उन्हें हर मेमोरी उन्हें आप ही की याद दिलाती है। अगर उनके पास आपकी कोई मेमोरी है, ठीक है, कुछ सामान, कुछ भी आपने जो गिफ्ट दिया है, तो ये पर्सन बार बार उन चीज़ों को देखते हैं और आपको मिस करते हैं। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है। आप जब इस पर्सन से मिले थे, हो सकता है कि आप भी यंग थे बहुत और ये पर्सन भी कम एज के थे, तब आप दोनों मिले थे। तो ये पर्सन के साथ आपकी बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज है जो ये पर्सन याद करते हैं। और कभी कभी ये पर्सन जो है रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, आपने जो लेटर्स लिखे थे या जो भी आपकी तस्वीर है वो सारी चीज़ें देखते हैं तो रोते भी हैं अकेले में, ठीक है। आपके पर्सन इस तरीके से फील करते हैं, उनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का जो मिलना है वो तय था पहले से, और आप दोनों के फेट में ही था कि इस तरीके की सिचुएशन आएगी और आप दोनों फिर अलग हो जाओगे, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो ये भी सोचते हैं, उनको अपने ऊपर भी एक ऐसा लगता है गुस्सा आता है कि कहीं ना कहीं उनके वजह से ही आप दोनों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन आई, टावर, ठीक है। किसी, हो सकता है दूसरे की बात मान के आपके पर्सन ने जो है अपने लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया, अपने और ज़्यादा, सॉरी, दिल का इस्तेमाल नहीं किया और ज़्यादा लॉजिकल माइंड से सब कुछ सोचा, ठीक है, और उस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई। तो आपके पर्सन खुद को भी दोषी मानते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन इस तरीके से सोचते हैं। और देखते हैं ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, जब आपकी तस्वीरें देखते हैं तो क्या सोचते हैं आपको लेकर। पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज। ये पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेकर। सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, ब्रेकअप, सेपरेशन,
और गेटिंग टू नो ईच अदर डेट नाइट और सीड्यूसर ओपन माइंडेड इजली अवेलेबल और इंटीमेसी एंड सेक्सुअल अटैचमेंट प्रपोजल और सरप्राइज यहाँ एंड ऑफ द डेक आया है। आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं अभी भी आपके पर्सन ने उम्मीद नहीं खोई है, वो अभी भी आपका जो है इंतजार करते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, कुछ गुड न्यूज आएगी, आप उनका इंतजार कर रहे हो या फिर आप उनके पास आ जाओगे, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। क्योंकि ये जो ब्रेकअप सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ है इस पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, पर आपके बारे में सोचते हुए ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप इनके लाइफ में कितने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए थे। आप इस पर्सन के जब लाइफ में आए थे, हो सकता है इन्हें कुछ सफलता हासिल हुई थी अपने करियर में या किसी भी चीज में, ये पर्सन को हमेशा पॉजिटिविटी एक फील होती थी आपके प्रेजेंस से। और जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं पर्सन, ये पर्सन तो इमेजिनेशन करते हैं और लव फीलिंग से सराउंड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इनके दिल में एक फीलिंग आती है, प्यार भरी फीलिंग जो वो ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं। आप दोनों ने जो टाइम बिताया था, जो एक साथ घूमने जाते थे एक साथ, अगर आपने टी कॉफी कहीं पर भी आप जाते थे, वो सारी बातें जो आप करते थे एक दूसरे से, ये पर्सन उन बातों को भी याद करते हैं। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपके आने के बाद उनके लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए थे। हो सकता है आपके पर्सन को कोई अच्छी उनकी ड्रीम जॉब मिली, उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, किसी तरीके का उनको फायदा हुआ, मतलब आपके प्रेजेंस से उनके लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आई। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ सोशल मीडिया स्पाई ऑनलाइन डेटिंग का भी कार्ड है। ये पर्सन अभी भी आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, हो सकता है किसी दूसरे अकाउंट से करते हो जिसे आपको पता ना चले, ये अभी भी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ये पर्सन फील करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त आपको ऐसा भी देख रहे हैं कि अब बहुत अट्रैक्टिव हो, आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, इस तरीके के आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है। ये पर्सन देखिए यहाँ पर आया है प्रपोजल सरप्राइज, ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ सरप्राइज हो और आप उनके लाइफ में आ जाओ। अगर इस पर्सन को ऑलरेडी आप डेट कर रहे हो, आपके साथ ये पर्सन है, तो ये पर्सन जो है ऐसा लगता है सडन रियलाइजेशन इनको हुआ है कि आप इनके लिए कितने जरूरी हो और ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसा भी ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आप ये पर्सन जब आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। पहला कार्ड यहाँ आया है ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव ट्रस्ट, प्लेफुलनेस और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पर्सन जो है वो ये भी सोचते हैं कि आपके ऊपर ये पर्सन बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, या विश्वास करते हैं और उन्हें एक इस तरीके के मन में एक अटूट विश्वास है, जब भी आपके पर्सन आपके सोचते हैं या आपकी तस्वीर देखते हैं कि आप उन्हें हमेशा चाहते रहोगे। ठीक है, एक आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो हमेशा बना रहेगा, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं। आपके पर्सन ऐसा ही फील करते हैं कि जब भी आप एक दूसरे के आंखों में देखते थे तो वो आपके पर्सन उस मोमेंट को भी बहुत याद करते हैं। यहाँ पर प्लेफुलनेस का भी कार्ड है, मतलब आपने, हो सकता है बहुत आप दोनों का रिलेशनशिप पुराना है और एक दूसरे के साथ जो एक फ्लर्ट वाली एनर्जीज है वो आपके पर्सन उस वक्त को बहुत ही मिस करते हैं, जब आप दोनों एक दूसरे से मजाक करते थे, हल्की फुल्की बातें करते थे। ठीक है, वो चीजें आपके पर्सन मिस करते हैं, याद करते हैं, पर उनको लगता है अभी जैसे सिचुएशन वैसी नहीं है, अभी बहुत ज्यादा कंट्रोल इश्यूज हो गए हैं, अभी उस तरीके से फीलिंग्स नहीं, उस तरीके से फीलिंग्स है पर उस तरीके से सिचुएशन नहीं है कि ओपनली एक दूसरे से एक दूसरे की जो है फीलिंग्स आप बता देते थे, पर अब वैसी नहीं है। हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त दूसरी टाइप की सिचुएशन आ चुकी है। रोमांटिक फीलिंग्स ये अभी भी आप
आपको बहुत चाहते हैं, इनके दिल में अभी भी स्ट्रांग रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है? तो ये पर्सन ये सारी बातें सोचते हैं, ठीक है? और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं जब आपकी तस्वीर देखते हैं। आपके पर्सन क्या सोचते हैं जब आपकी तस्वीर देखते हैं? शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट, ठीक है? वो सोचते हैं कि उनके जो दिल में है क्या वो आपको खुल के बता दे या चुप रहे। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही रहता है। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, आपके पर्सन हो सकता है अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एडजस्ट वहीं करना पड़ता है जहाँ की दिल नहीं लगता है। तो आपके पर्सन अपने लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बिना। व्हाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट, ठीक है? आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, अब वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चोज समवन एल्स, आपके पर्सन इस वक्त जो है वो रिग्रेट भी करते हैं कि उन्होंने किसी और को चुना, जबकि प्यार ये पर्सन आप ही से करते थे, पर उन्होंने आप किसी और को हो सकता है चुना है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उस बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। आई मेड मैनी मिस्टेक्स, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस तरीके के टावर मोमेंट आए हैं, ये पर्सन इस बारे में भी सोचते हैं। तो ये थी रीडिंग ग्रुप वन के लिए, जिन्होंने वुमेन होल्डिंग अ हार्ट चूज किया था। होप आपको रेजोनेट हुई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने ये ग्रुप टू सिलेक्ट किया है एंजल ऑफ लव, तो देखते हैं आपके पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ठीक है? आपके पर्सन क्या सोचते हैं जब आपकी तस्वीर देखते हैं? पहला कार्ड है सेवन ऑफ क्लब्स, आपके पर्सन क्या सोचते हैं जब आपकी तस्वीर देखते हैं? फाइव ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड, आपके पर्सन क्या सोचते हैं जब आपकी तस्वीर देखते हैं? टू ऑफ हार्ट, एस ऑफ हार्ट और नाइन ऑफ डायमंड, ठीक है? एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीस। आपके पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं तो ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत अपसेट हो जाते हैं। अपसेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिवोर्स हो चुका है, ठीक है? या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त तो सेपरेशन नजर आ रहा है और फैमिली की वजह से हुआ है। इस पर्सन ने अपने फैमिली की वजह से, घर की वजह से आपसे सेपरेशन लिया है, तो इस बात को सोच के आपके पर्सन को जो है दुख होता है। और समाज की वजह से भी हो सकता है इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन लिया, या फिर जो है समाज में पोजीशन की वजह से, ठीक है? उस वजह से भी इस पर्सन ने हो सकता है आपसे सेपरेशन लिया, तो उस बारे में ये पर्सन सोचते हैं। आपके तस्वीर देखते हुए आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि काश थोड़ी सी बात हो जाती, ठीक है? आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ी डिस्कस कर लेते, और जो भी आप दोनों के बीच में ब्रोकन रिलेशनशिप है, ठीक है, ये पर्सन सोचते हैं कि काश वो सुलझ जाता, ठीक है? पर ये पर्सन आपसे वो चीज बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो आप दोनों के बीच में इस वक्त फैमिली इंटरफ्रेंस है, शायद उसकी वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, या समाज की वजह से, अपने पोजीशन की वजह से ये बात नहीं बोल पा रहे हैं कि वो डीपली आपके लिए फील करते हैं। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग प्लेटोनिक बॉन्ड ये पर्सन फील कर पाते हैं, ठीक है? अभी भी इनके मन में ये ऐसा ही है कि शायद आप दोनों एक दूसरे से अगर डिस्कस करें तो चीजें ठीक होंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो नेगेटिव कार्ड है वो एक पॉजिटिव से
कवर्ड है, इसका मतलब है कि ये पर्सन बाहर से जितना ही आपको रूड दिखा है, बाहर से जैसे भी है, ये पर्सन दिल से आपको आपके बारे में सोचते हैं, हमेशा बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन के रहते हो, ठीक है। आपकी तस्वीरें देखते हैं ये पर्सन, अगर ऐसे बाहर दिखाते हैं कि नहीं बहुत इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। और देखते हैं ये पर्सन ग्रुप टू के पर्सन, आपके पर्सन आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपकी फोटोज देखते हैं, तो क्या सोचते हैं। एस ऑफ सोर्ड, क्या सोचते हैं ये पर्सन। क्वीन ऑफ वैंड्स, हर्मिट, द फूल, क्या सोचते हैं पर्सन जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं। जस्टिस, और यहाँ है नाइन ऑफ कप्स। एंड ऑफ द डेक यहाँ पर आ रहा है एम्परर। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपके पर्सन इस सेपरेशन को लेके अपसेट भी हैं और दिल में इनके नाराजगी भी है, तो कभी कभी आपके पर्सन जो है इन बातों, इन चीजों के बारे में सोचते हैं जब भी आपकी याद आती है या फिर आपकी तस्वीर देखते हैं। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप जो कभी कभी आपके पर्सन हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाते थे किसी बात को लेकर, तो आप उनको एक क्लैरिटी देते थे कि आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, आप उनके ऐसा लगता है कि आप उनकी आंखें खोल देते थे वर्ल्ड की तरफ, रियलिटी की तरफ, तो एक दूसरे नजरिए से आपके पर्सन दुनिया को देख पाते थे जब आप उनके साथ थे। पर क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ स्पेड आया, मतलब कि आप दोनों के बीच में हो सकता है इस वक्त सेपरेशन है, तो इसलिए ये पर्सन आपकी तस्वीर देख के वो सारी बातें सोचते हैं कि आपके पर्सन को आप एक आई ओपनर की तरह हो, मतलब कि आपने दुनिया में जो भी इस तरीके की सिचुएशन आती है जहाँ की ये पर्सन कभी कभी इनडिसिसिव हो जाते थे, तो आप उनको एक क्लैरिटी देते थे। ठीक है, आप बहुत एडवेंचरस भी थे, आप एक ऐसे पर्सन की तरह आपके पर्सन देखते हैं जो कि बहुत फ्रीडम लविंग है, एडवेंचरस है, और इस तरीके से लाइफ को जीने वाले इंसान की तरह आपके पर्सन देखते हैं आपको। ठीक है, आपके पर्सन सोचते थे कि आपका जो इनोसेंट नेचर है वो भी पसंद था, आप जो डायरेक्टली बोल देते थे अपने पर्सन को, ठीक है, वो सारी बातें आपके पर्सन जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं सोचते हैं किस तरीके से आप क्लियर कट बात करते थे, और आप इतने ज्यादा अट्रैक्टिव, खूबसूरत अपने इंसान को लगते थे इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। आप बहुत ही अट्रैक्टिव, आप एक ऐसे पर्सन हो जो गो गेटर हो, आप जो चाह लेते हो वो आप करके रहते हो, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। ठीक है, ये एक सच्चाई है जो आपके पर्सन हमेशा एक्सेप्ट करते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपसे सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक आप में चार्म है जो आपके पर्सन फील करते हैं और वो अभी भी अट्रैक्शन फील करते हैं। तो बेसिकली जो है आपके पर्सन जब अकेले में रहते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। देखिए नाइन ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन उन पलों को याद करते हैं जो वो मानते हैं कि उनके लाइफ में सबसे स्वीट और बेहतरीन पल थे जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे। ठीक है, ऐसा सोचते हैं ये पर्सन। पर क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड आया है, यहाँ पर भी एम्परर आया है, तो ये पर्सन ऐसा लगता है कि कभी भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स जो है आपको रोमांटिक वे में या तो एक्सप्रेस नहीं की, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन हमेशा लॉजिकली रहे, हेड से ज़्यादा सोचे, हार्ट को इन्होंने इतना अपने जो दिल में था वो सब ये पर्सन ने नहीं किया, और जो समाज के नियम और उन चीज़ों को ये पर्सन ने मान के अपने दिल की नहीं सुनी। ठीक है, ऐसा ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से आया देखिए किंग ऑफ सोर्ड मून। ठीक है, मतलब ये पर्सन जो है आपको मानते हैं कि आप उनसे ज्यादा बेहतर हो,
ठीक है, क्योंकि इन अट्रैक्टिवनेस और हो सकता है आप दोनों के पीछे एज डिफरेंस हो, ये पर्सन ज्यादा मैच्योर्ड हो, या फिर हो सकता है कि आपसे ज्यादा एज में बड़े हो सकते हैं, तो ये पर्सन की नजरों में आप बहुत ही इनोसेंट और बहुत खूबसूरत भी हो, अट्रैक्टिव ये पर्सन आपको देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि जिन्होंने ग्रुप टू सिलेक्ट किया है उनके पर्सन जब उनके उनकी तस्वीर देखते हैं तो क्या सोचते हैं, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपकी तस्वीर देखने से। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, ठीक है, जो पहले भी आया है कार्ड में, डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशन और इनटॉलरेबल पेन, बाउंडेड, एंड ऑफ द डेक है अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या सोचते हैं जब आपकी तस्वीर देखते हैं, रिग्रेट होता है इस पर्सन को, बहुत सॉरी फील करते हैं किसी बात के लिए, ठीक है, कि उन्होंने हमेशा अपने दिल की नहीं सुनी, और जो लोग, समाज, अपने फैमिली, इनकी बात सुनी, अपने दिल की नहीं सुनी, और ये पर्सन ऐसा लगता है कि आपको लेके बहुत ज्यादा एडिक्टेड भी हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, देखिए, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, तो उनको ऐसा लगता है कि फैमिली का इंटरफेरेंस आप लोग के बीच में रहा है, इस पर्सन ने हो सकता है हमेशा फैमिली को पहले रखा है और उसके बाद ही फैमिली के अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेलेपन में है और दिल से एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, इस वजह से हो सकता है ये पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं तो ये अनहेल्दी हैबिट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि जो आप इनके साथ नहीं हो वो ये सारी चीजें इनको इस तरफ ड्रैग करी है, जैसे कि इसमें है, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह करते हुए, तो आपके पर्सन उस दुख को मिटाने के लिए ये सारी चीजें भी करते हैं। देखिए, यहाँ डिवाइन गाइडेंस इंस्पिरेशन आया है, हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, और डिवाइन गाइडेंस इंस्पिरेशन, आपके पर्सन जो है यही विश करते हैं और यही सोचते हैं कि डिवाइन से कोई गाइडेंस मिले, ठीक है, और कोई इंस्पिरेशन मिले कि उन वो और आप किसी तरीके से मिलो, ठीक है, ऐसा ये पर्सन मैनिफेस्ट भी करते हैं, क्योंकि अभी जो है आपके पर्सन के दिल में बहुत ज्यादा दुख है, इनटॉलरेबल पेन है और मजबूरी भी है, जैसे इस लेडी का जो हाथ है वो बंधा हुआ है, तो मजबूरी भी है, ये पर्सन ऐसे फील करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्यार को भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपके पर्सन उस मोमेंट को बहुत याद करते हैं जब आपने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा था या फर्स्ट किस किया था, उन चीजों को आपके पर्सन बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी तस्वीर देखे ये सारी बातें आपके पर्सन सोचते हैं, और क्या सोचते हैं आपके पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं, यहाँ पर है सोलमेट, तो आपके पर्सन आपको, आपसे एक सोल टू सोल कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, दिस कुड बी द वन, और लव योर सेल्फ फर्स्ट, और यहां पर है वेडिंग, एंड ऑफ द डेक आ रहा है गेटिंग टू नो ईच अदर। ठीक है, तो आपके पर्सन आपकी तस्वीर देखते हैं तो सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, एक सोल टू सोल कनेक्शन आपसे डीपली ये पर्सन फील करते हैं, उन्हें लगता है कि दिस कुड बी द वन, तो आप ही उनके लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटिबल थे, ऐसा ये पर्सन को लगता है। ठीक है, और ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा जो है सेल्फ रेस्पेक्ट है, या फिर जैसे मैंने बताया था आपको पहले, इस पर्सन को ये लगता है कि आपसे मिलने के बाद इनके लाइफ में ऐसा लगता है कि एक सेल्फ रेस्पेक्ट आया है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट है, जिसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ है, हो सकता है ईगो प्रॉब्लम्स भी रही है आप दोनों के बीच में,
यहाँ पर वेडिंग इश्यूज भी हो सकते हैं कि ऑलरेडी रिलेशनशिप हो सकता है उस बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे उनकी मैरिज हो जाए, ठीक है, आपके पर्सन और आपको अच्छी तरीके से जानना भी चाहते हैं, आपके पर्सन ये सारी बातें सोचते हैं, वो इमेजिनेशन करते हैं कि आप दोनों मैरिड कपल हो, इस तरीके से सोचते हैं आपके पर्सन। देखिए लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड जो है मुझे ऐसी भी एनर्जी दे रहा है कि ये पर्सन खुद से ज्यादा आपको चाहते हैं। और देखते हैं आपके पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ग्रुप टू के पर्सन क्या सोचते हैं। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, हर दिन आपके पर्सन का प्यार आपके लिए और भी बढ़ते रहता है। आई नो यू किस माई पिक्चर, आपके पर्सन को या तो आपके पर्सन आपकी पिक्चर किस करते हैं या फिर उन्हें पता है कि आप करते हो। आई वॉन्ट टू टच यू, तो आपको छूना चाहते हैं। थैंक यू फॉर द रीजन आई स्माइल, तो आपके साथ जो बिताए हुए मेमोरीज हैं उन्हें याद करके ये पर्सन जो है हंसते हैं मुस्कुराते हैं। आई जेन्युइनली लव यू, तो बिल्कुल ट्रू लव ये पर्सन आपको करते हैं। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो आप हमेशा इस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहते हो। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, ठीक है, आपके पर्सन के अंदर बताना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा बुरी आदतें हैं, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। व्हाट आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, जो भी है आपके पर्सन अच्छे बुरे सब आपकी वजह से है, ये आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टूगेदर, उनको ऐसा लगता है कुछ लोग आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, ये भी आपके पर्सन जो है सोचते हैं जब आपकी तस्वीर देखते हैं। तो ये थी रीडिंग ग्रुप टू के लिए, हो आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।